बच्चों, आप सब लोगों का वाटर कलर करने का मन तो बहुत होता होगा। सोचते होगे कब बड़ी क्लास में जाएं और कब हमें वाटर कलर करने को मिले। नहीं तो बच्चों, आज मैं आपको वाटर कलर से ट्री बनाना बताऊंगी। तो देखिए, आप अपनी ड्राइंग कॉपी निकाल लेंगे, इस तरीके से पेज निकाल लीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक ट्री ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से एक ट्री ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे वी बना लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक ट्री आपने ड्रॉ कर लिया। अब मैं वाटर कलर, जो केक वाले आते हैं, देखिए ये वाले मैं वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ, ये इजी रहते हैं यूज़ करने में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल है। वाटर कलर से यूज़ करना। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरे में सिंपल पानी लगाएंगे। सिंपल पानी लगा दीजिए। ओके, देख रहे हैं, सिंपल पानी आपको लगाना है पूरी शीट पे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, येलो कलर लेंगे। और येलो कलर आप डालेंगे शीट में। ये देखिए, इस तरीके से आपको येलो डालना है। देखिए मैडम का हाथ कैसा चल रहा है, आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इस तरीके से येलो कलर डालेंगे। येलो कलर हम क्यों डालते हैं, येलो कलर हमें लाइट का इफेक्ट बताता है। ठीक है, ट्री पे कहाँ पे लाइट पड़ रही है, इस चीज का वो हमें इफेक्ट बताता है। ओके, इस तरीके से आप पूरे में येलो डाल देंगे, कहीं कहीं आप वाइट छोड़ेंगे। बहुत सिंपल है ये, बहुत। ये ब्रश आप ले लीजिए, आप चाहें तो राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप फ्लैट भी, मैं फ्लैट यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रीन कलर डालना है। तो देखिए, ग्रीन कलर के हम काम शेड डालेंगे। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, फैन ऑफ करके थोड़ा सा बनाइए, जिससे कि हमारा जो इफेक्ट है वो कलर का अच्छे से आए। देखिए, ग्रीन के दो शेड्स लिए हैं मैंने, लाइट और डार्क। एक मैंने सेव ग्रीन लिया है और एक मैंने डार्क ग्रीन लिया है। ये देखिए मेरा कैसे चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब बच्चों, आपको क्या करना है, ब्लू, पर्शियन ब्लू कलर लेंगे और लास्ट में आप वो डालेंगे इसमें, तो इससे आपका और अच्छा इफेक्ट आएगा। डार्क ब्लू जो आपका कलर है, पर्शियन ब्लू जो होता है, ये वो डालेंगे आप। ये देखिए, ये देखिए, मैम का गीले में ही हो रहा है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैम जो भी कर रही है, पंखा ऑफ, फैन ऑफ करके करिएगा। फैन अगर ऑफ करके करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है ट्री का, एकदम रियल जैसा ट्री आपको ये दिखता है। ठीक है, इसे कहते हैं वाटर कलर। कलर यूज़ करना बहुत सिंपल है, आप देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दो बार आप करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। डार्क और लाइट का बैलेंस होना चाहिए इसमें।
देखिए मैम का ब्रश कैसे हिल रहा है। ओके अब इसके बाद अपन बनाएंगे पेड़ का तना। दे इसमें भी पूरा मैं वाइट पहले ही लगा लेना था, लेकिन वो सूख जाता लास्ट में, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब देखिए तना बनाएंगे हम, ब्राउन कलर लेंगे। कहीं कहीं पे आप ऐसे डालेंगे ब्रांचेस ट्री की, कहीं कहीं पे दिख रही हैं। एक तरफ हम लाइट का इफेक्ट देंगे, तो इस तरफ हमने देखिए लाइट का इफेक्ट दिया है, तो इस टाइप से हम तना डार्क कर देंगे। रेड मिलाएंगे, ये देखिए देखिए ठीक है बेटा। आप राउंड ब्रश से आप ब्रांचेस बनाइए, बहुत अच्छे से बनेंगी। थोड़ा सा हम मर्ज करेंगे ग्रीन से जहाँ हमने डाला है। देखिए हमारा ट्री बन गया। देख रहे हैं बेटा आप, इस तरीके से आप देखिए ट्री बना सकते हैं वाटर कलर से। अगर आपको लगता है इसमें आपको फ्लावर्स देने हैं तो आप ड्राई ब्रश से फ्लावर्स भी दे सकते हैं। देखिए फ्लावर्स कैसे देने हैं, देखिए जैसे आपको यहाँ पे फ्लावर्स देने हैं, राइट एकदम रेड कलर यूज़ करना है या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स देने हैं। ऐसे फ्लावर्स डाल सकते हैं आप इस तरीके से, ये फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे, फ्लावर्स लगे हुए हैं। थोड़ा सूखने पे आप टहनियाँ बनाएंगे तो बेटा और अच्छी बनेगी।
ठीक है। ये देखिए हमारा बन गया है ट्री रेडी है, ये लाइट का इफेक्ट आ रहा है, इसे आप जरूर बनाइए बेटा। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।